तो देवास की हूबहू कुछ इसी तरह की तस्वीर है। पूरे जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे ही मसले पर देखिए राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे के खिलाफ हालातों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर ये कहा था कि ऐसे कठिन समय में पीएम कमलनाथ को जनता के बीच आना चाहिए और उन्हें सांत्वना देनी चाहिए, जिसके बाद प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने महेंद्र सिंह सोलंकी पर जमकर पलटवार किया। तो देखिए ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, जहां पर राहत बचाव कार्य होना चाहिए, लोगों की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, वहां पर जुबानी जंग हो रही है नेताओं के बीच में, और तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। देखिए मुझे शुमारा जिले से फोन आया था और किसी ने बताया था कि वहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं और वहां पर जो तालाब है वो भी खतरनाक स्थिति में है। यदि उसका अलग से बोर फ्लो का पानी अलग से नहीं निकाला गया तो वो तालाब की बारिश फूट सकती है। मैं मौके पे गया, मेरे जाने के बाद जो वहाँ पर अधिकारी पहुँचे, जिला प्रशासन का रवैया बिल्कुल भी जनता के प्रति अच्छा नहीं है। और मेरे जाने के बाद वहाँ पर अधिकारी आए तो मैंने उन्हें डायरेक्शन दिया कि आप इस तरह से कुछ करें ताकि इस कठिनाई से बचा जा सके और जो संकट आने वाला है उस संकट को टाला जा सके। कुछ नहीं करा, हवा हवाई कहाँ है तुम्हारी लागे दो दमखम है नहीं। ये तो सज्जन वर्मा जैसे लोगों में दमखम है जो क्षेत्र का इतना विकास हुआ और बचा हुआ विकास और हुआ है।